आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। ये हमने आधा किलो चिकन लिया है, इसे अच्छे से धो लिया है। अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच दही लेती हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी, लाल मिर्ची 2 चम्मच लेंगे हम लाल मिर्च, धनिया पाउडर लेंगे 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 चम्मच, 2-3 कटी हुई हरी मिर्च लेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, ये चिकन मसाला है ये डालूंगी मैं 1 चम्मच। आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हो या गरम मसाला भी डाल सकते हो। अभी हम इसे मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला के हम इसे 1/2 घंटे तक छोड़ देंगे। अभी ये मिल चुका है, अभी हम इसे 1/2 घंटे तक ये छोड़ देते हैं। ये हमने 400 ग्राम चावल लिए हैं, बासमती राइस है। इसे मैं अच्छे से 2-3 पानी से धोकर 1/2 घंटे के लिए भिगोकर रखती हूँ। अभी 1/2 घंटा हो चुका है। ये हमने चिकन मैरिनेट करा हुआ था, 1/2 घंटा हुआ है। गैस जलाएंगे, तेल डालेंगे, इसमें 1/2 चम्मच घी डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अभी हम तेज पत्ता डालेंगे, 4-5 लवंग ली है ये डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे 4-5, 1 चक्री फुल्लिया ये डालेंगे, और दालचीनी के टुकड़े लिए छोटे छोटे 3 ये भी डाल देंगे। अब 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 4-5 हरी मिर्च डालेंगे, हमने 2 प्याज काट लिए बड़े बड़े ये भी डाल देंगे। अभी इसे फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, प्याज जल्दी फ्राई हो जाएंगे। हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, इसमें टमाटर डाल देंगे, 2 टमाटर दिए मैंने। टमाटर गल चुके हैं, इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। अभी हमने चिकन डाल दिया है, अभी इसे मिला देंगे। अभी इसे ऐसे चलाते हुए हम थोड़ी देर भून लेंगे। अभी इसे ढककर थोड़ी देर पका लेते हैं। अभी हमने अच्छे से भून लिया है चिकन को, अब चावल डालेंगे। चावल को हमने भिगो कर रखा था 1/2 घंटा। अब इसे मिला लेंगे अच्छे से।
चावल को 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। इस गिलास से हमने 4 गिलास चावल लिए थे, अब इसी गिलास से अब पानी डालूंगी। मैंने ये 4 गिलास पानी लिया है, इसे डाल देते हैं अभी। अभी इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं। हम पहले थोड़ा सा नमक डाल चुके हैं कांदा फ्राई करने के वक्त, अभी थोड़ा सा और डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, अभी हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसे मीडियम आंच पर 2 सीटी ले लेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, इसे खोलते हैं। हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।